रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन के दिसंबर वादा देख रहे हैं 6720 पर कारोबार कर रहा है, 6730 का हाई लगा चुका है, 4.5% का ऊपरी सर्किट आज सुबह के कारोबारी सत्र में सोयाबीन की कीमतों में बनता नजर आ रहा है। रूपा जी, इसी सोयाबीन को हमने नीचे में 5100-5200 तक भी जाते हुए देखा है और ऊपर में 10,000-11,000 तक के बिलावस देखे हैं। अब देख रहे हैं सोयाबीन की कीमतों में एक बार फिर से तेजी लौटी है, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में सोयाबीन के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं या फिर सोयाबीन वायदा के अंदर सोयाबीन में स्पेकुलेशन ज्यादा देखने को मिल रही है उसकी वजह से सोयाबीन की कीमतें उछल रही हैं? देखिए, अभी फंडामेंटल भी सपोर्टिव है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी तेजी देखने को मिल रही है और जो क्रॉप डैमेज की खबरें निकल कर आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट देती हुई नजर आ रही हैं। और अभी जिस तरीके से ट्रेडर्स एक्टिव हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मंडियों के अंदर माल नहीं आ रहा है बिकने के लिए, खरीदार है उसके अंदर लेकिन बिकवाल नहीं है, यानी फार्मर्स ने सोयाबीन अपने पास रोक कर रखी हुई है, वो इन स्तरों पर बेचना नहीं चाहते। उनको उम्मीद है कि एक बार फिर से सोयाबीन जो है वो 8,000 से लेकर 10,000 के स्तर छूता हुआ दिखाई देगा, इनफैक्ट कुछ तो और भी ज्यादा ऊपर की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तो अभी फिलहाल जो बाजार है वो उसी का ट्रेंड फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सप्लाई नहीं है मार्केट में, डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से प्राइसेस ऊपर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और अभी जो सोयाबीन का जो स्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 7,000 के लेवल छू सकता है और 7,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आने पर हो सकता है आपको 7,800 से 8,000 का भी स्तर सोयाबीन के अंदर देखने को मिले। तो यानी कि अभी पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सोयाबीन में तेजी है और यहाँ से सोयाबीन हो सकता है आपको 7,800 से 8,000 का स्तर छूती हुई दिखाई।